हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पेपल अकाउंट कैसे खोलना है? ठीक है, पेपल अकाउंट खोलने से पहले एक जरूरी बता देना है, पेपल अकाउंट एक यूनिवर्सल अकाउंट है, जैसे पेटीएम, जैसे मोबीक्विक, ये इंडिया से है, पर पेपल अकाउंट एक यूनिवर्सल अकाउंट है। सो इसमें खुलने में कौन सा चाहिए पार्ट चाहिए, कौन सा पार्ट्स इम्पोर्टेंट है, वही हमको दिखाना होगा। पहले मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। पहले हम पेपल अकाउंट में खुलने से पहले गूगल को, मोबाइल होगा तो मोबाइल पे एक राइट कॉर्नर पे आइए, राइट कॉर्नर पे थ्री स्टार आएगा, थ्री स्टार के दबा देने के बाद डेस्कटॉप व्यू आएगा, डेस्कटॉप व्यू मार देने में वो खुल सकता है। डेस्कटॉप पर मारने के बाद हमारा मोबाइल डेस्कटॉप जैसे कंप्यूटर जैसे हो जाएगा, उसके बाद हम पेपल अकाउंट निकालने में आसानी होगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं कैसे, गूगल पे सर्च कीजिए पेपल अकाउंट क्रिएट, उसके बाद साइन अप फॉर फ्री पेपल अकाउंट इन इंडिया, उसके बाद फ्री फॉर फ्रीलांसर, उस पर टिक कर दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए, ठीक है। ये जो फ्री फॉर फ्री फ्रीलांसर, उसको ठीक करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबा दीजिए। ये ऐसा आ जाए, मेल आई डी क्या आ जाएगा, मेल आई डी, आपका जो मेल आई डी है वो डाल सक डाल को डाल के आप भी ये कर सकते हैं। मैं ये करता हूँ इससे, उसके बाद ये पासवर्ड भी आएगा, जैसे भी एक पासवर्ड दे देता हूँ, एक कैपिटल लेटर पे होगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये शो करके। बिजनेस टाइप, इंडिविजुअल, उसके बाद बिजनेस कैटेगरी, सर्विस अदर, उसके बाद बिजनेस सब कैटेगरी, बिजनेस सब कैटेगरी पे जैसे भी सर्विस नॉट क्लैरिफाइड, उसके बाद इसमें पर्पस कोड में ये डालना होगा P050 P080, ये अदर इंफॉर्मेशन सर्विस, आपका पैन नंबर देना होगा, मैं जैसे भी एक देता हूँ पैन नंबर, उसके बाद आपका नाम नेम डालना है, आकाश, मैं आकाश डाल दिया। ये जो उसके बाद है बिजनेस टाइप, ये जो बिजनेस और एल इफ एप्लीकेबल, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, जो आपका पैन कार्ड पे है नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम है, उसी पे आपको डाल दीजिए, मैं मिडिल नेम कुमार,
डेट ऑफ बर्थ कोई भी एक डेट डाल सकते हो, पिन कोड कोई भी पिन कोड डाल सकते हो, तुम्हारा मोबाइल नंबर डालो, उसके बाद जो बिजनेस टाइप है उसको इधर क्लिक करना है, उसके बाद एग्री एंड सबमिट में डालना है। उसके बाद ये आपका खुल गया, उसमें INR 0 है और USD 00 डॉलर है, ठीक है। उसके बाद इसमें पहले जाना होगा, आपको KYC करना होगा, ठीक है। KYC किसे करना होगा, देखिए ये जो KYC, ये जो हमारा एक घंटी का बटन है, घंटी के बटन के नीचे KYC डॉक्यूमेंट है, ओ इधर KYC में खोलना होगा। और हमारा एक mail ID जो है, mail ID पे गया होगा, mail ID हमारा ऐड बैंक अकाउंट, उसमें ऐड बैंक अकाउंट डालना होगा। हमारा बैंक अकाउंट पहले mail ID कन्फर्म, mail ID हमको mail ID कन्फर्म करना है। कन्फर्म कैसे करेंगे, जो कन्फर्म दिस मेल है उसमें होगा कन्फर्म दिस मेल। ये जो कन्फर्म दिस मेल के बाद हम एक मेरा जो निकल लेता हूँ, ये देखो ये PayPal अकाउंट, इसमें गेट स्टार्टेड नाउ, ये कन्फर्म हो जाएगा। गेट स्टार्टेड में क्लिक करने के बाद ये आपका mail ID कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद वो जो KYC है, KYC में आपका सिर्फ पैन कार्ड ही देना है, और भी कुछ ज़रूर नहीं है, पर अब डाल सकते हो, तो आपका आधार कार्ड भी डाल सकते हो। और जो एड्रेस आएगा ये आपका प्रूफ आइडेंटिटी, इसमें आपका पैन कार्ड डालना है और प्रूफ ऑफ एड्रेस पे आधार कार्ड डालना है, एड्रेस पे आपका आधार कार्ड ही डालना है। ये आपको फोटो खींचना है मोबाइल से फोटो खींचना है, जो आपको 2 MB से कम होगा, और आपका ये PDF फाइल हो सकता है। JPS तो आपको जो मोबाइल से हम फोटो खींचते हैं वो JPS ही आता है। JPS आप 2 MB से कम तो फ्लैश ऑफ करके निकालना है, आपको कम होगा, ठीक है। ये था आपका PayPal ID, और PayPal ID अब लगभग 2 से 4 दिन लगता है उसको वेरीफाई होने में, और वेरीफाई हो जाएगा तो आपको इंटरनेशनल जो पैसा आएगा वो आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है। थैंक यू।